नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जो आप बिंब बांधते हैं उसमें करंक बार कैसे दे, जो आप नीचे का जो टाई बिंब करते हैं उसमें करंक बार कैसे दे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कुछ समझ में आए, और दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों आप सबसे पहले ध्यान दें, जो आप रिंग बांधते हैं उसका साइज क्या दे। तो जो आप रिंग बांधते हैं उसका साइज, तो इसमें ध्यान से देखें, जो आप रिंग बांधते हैं उसका साइज कम से कम 6 इंच पे होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, जो इसका रिंग बांधा गया है वह 6 इंच पे इसका रिंग बांधा गया है। जो बिम में आप कितना स्टील दे, जो आप सरिया देते हैं वह कितना सरिया दे। तो दोस्तों टाई बिम में जो आप देख रहे हैं इसमें जो 6 सरिया दिया गया है, जो 4 है और दो जो सरिया है वह करंक तोड़ के दिया गया है, जो करंक तोड़ के दिया गया और किस टाइप से करंक दे ताकि हमारा जो बिम हो मजबूत हो और इसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो दोस्तों जो 4 सरिया आता है जो रिंग के चारों कोने पे बांधा जाता है, और जो बीच का जो 2 एक्स्ट्रा जो सरिया दिया है करंक तोड़ के, और करंक का साइज क्या दे। तो दोस्तों जो आप करंक का साइज दे, जो पिलर से और जो दोनों पिलर का जो सेंटर है वह दूरी नाप ले, माफ़ी कर ले, पिलर के आउटसाइड दोनों साइड से नापे, यानी कि अंदर से माफ़ी नहीं करना है, जो दोनों साइड से माफ़ी करना है। और उसके बाद 1/4 में करंक तोड़ना है, जो आप बिम में करंक देते हैं वह 1/4 में करंक दे। और दोस्तों टाई बिम में करंक देने से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारे जो बिम है उसमें कभी करेक्ट नहीं आएगा, और इसका जो लोडिंग होगा जो पिलर जो है दोनों साइड का पिलर कवर करेगा और हमारा टाई बिम जो होगा काफ़ी मजबूत होगा। दोस्तों आप जब भी टाई बिम का काम करवाएं तो उसमें करंक बार जरूर दें ताकि आपका टाई बिम मजबूत हो और आपका घर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका घर जो है मजबूत बने। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।